हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज जैसा कि हम लोग यहाँ पर गेट लाइफ साइंसेस के केमिस्ट्री के सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे, और इसमें हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया था वो था थर्मोडायनेमिक्स। और इस थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो नंबर 1, 2 एंड 3 वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक यहाँ पर आई सिंबल ऑफ दिस वीडियो में आ रहा होगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो आज का ये लास्ट वीडियो होगा, वीडियो नंबर 4। इस वीडियो नंबर 4 में मैं बचे हुए टॉपिक जो थर्मोडायनेमिक्स के बचे हुए अकॉर्डिंग टू गेट लाइफ साइंसेज केमिस्ट्री के सिलेबस से वो कम्प्लीट करूँगा। तो जो पहला टॉपिक बचा हुआ है वो है क्लासियस क्लैपिरॉन इक्वेशन। ये साइंटिस्ट के नेम पर है, दो साइंटिस्ट ने मिलकर ये इक्वेशन दिया था। पहला नाम था क्लासियस, ये साइंटिस्ट थे, और दूसरे भी क्लैपिरॉन सेकंड साइंटिस्ट थे। इन्होंने दोनों मिलकर एक इक्वेशन दिया, और इस इक्वेशन का क्या मतलब है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस इक्वेशन को देखने से पहले मैं पहले डिस्कस कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेना चाहता हूँ जो मैंने पहले पढ़ाया था सॉल्यूशन चैप्टर में, कि रेट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड इज डिपेंड्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे वेपराइजेशन का रेट इंक्रीज़ करेगा लिक्विड का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली एक फार्मूला लिखते हैं, वो डेरिवेशन आपको नहीं समझना। उस फार्मूला क्या है, लॉग ऑफ P2/P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच डिवाइड बाई आर इंटू 1/T2 माइनस 1/T1। ये फॉर्मूला यहाँ पर, ये जो इसको कहते हैं हम लोग चेंज इन वेपर प्रेशर, आर इज गैस कांस्टेंट, डेल्टा एच इज कॉल्ड हीट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, जिसको हम लोग हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बोल सकते हैं। T2 इज फाइनल टेम्परेचर इन केल्विन, और T1 इज इनिशियल टेम्परेचर इन केल्विन। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, हम लोग इसका एप्लीकेशन कैसे समझते हैं? अगर यहाँ पर वेपर प्रेशर किसी एक पार्टिकुलर पी टेम्परेचर पर दिया हुआ है, तो हम लोग वेपर प्रेशर एट सेकेंड स्पेसिफिक टेम्परेचर पर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कि इफ ए लिक्विड इज हैविंग वेपर प्रेशर एट 100 केल्विन is 100 torr, ठीक है। सो वॉट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ सेम लिक्विड एट 200 केल्विन, गिवेन दैट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड इज 24 kJ/mol। या फिर P1 का दिया हुआ ऑलरेडी 100 torr, P2 का मुझे फाइंड आउट करना है P2, और यहाँ पे P1 की वैल्यू आ गई 100 torr, और यहाँ पर माइनस डेल्टा एच कितना है 24, आर की वैल्यू मुझे मालूम है 8.314, केल्विन का वैल्यू ऑलरेडी T2 की वैल्यू दिया हुआ 200 माइनस 100, तो ये वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव में, और ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होगा, यानी P2 की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा जैसे भी करना है तो ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका ये एप्लीकेशन है कि अगर यहाँ पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे दिया हुआ है, तो इसी लिक्विड का सेकेंड किसी अदर टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं, गिवन दैट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ दैट लिक्विड इज गिवन। तो होप सो कि ये समझा, क्लासियस क्लैपिरॉन इक्वेशन। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक पे, ट्रॉटन रूल गिवन बाय साइंटिस्ट ट्रॉटन, इसलिए उसके ऊपर आ गया ट्रॉटन रूल। क्या ट्रॉटन रूल कहता है, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड इज ऑलमोस्ट सेम विच इज 85 to 88 kJ/mol। तो मोस्ट ऑफ द लिक्विड के लिए एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन सेम होता है, कॉन्स्टेंट होता है 85 to 88 kJ/mol, जो कि ट्रॉटन ने देखा था। ठीक है, तो एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, एंट्रोपी का सिंबल क्या होता है, एस। तो S ऑफ एवोपरेशन इज एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू चेंज इन हीट डेल्टा Q डिवाइड बाई टेम्परेचर। ये मैंने फॉर्मूला पहले भी डिस्कस किया हुआ है,
तो यहां पर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंड दिस इज टेम्परेचर इन केल्विन। एवोपरेशन इज इक्वल टू 10.5 इंटू आर। ये एक अनदर रिलेशनशिप है, ये भी रिलेशनशिप को आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बेंजीन, इसका एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन 89.45 किलो जूल पर मोल। इसी तरीके से क्लोरोफॉर्म का एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन जो है 87.92 किलो जूल पर मोल। और अगर मैं लास्ट एक और एग्जाम्पल लूँ यहाँ पर टॉलवीन का, इसका एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन जो है वो है 87 किलो जूल पर मोल। तो आप देख रहे हो कि बेंगोफॉर्म टॉलवीन इसका सभी का हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑलमोस्ट 85 to 89 पॉइंट समथिंग है, विच इज़ वेरी क्लोज टू 85 to 88, सो विच आर वेरी क्लोज टू इच अदर। लेकिन देर आर सर्टेन एक्सेप्शन विच डज नॉट फॉलो टॉरेंट्स रूल। एग्जाम्पल वाटर, इथेनॉल, फॉर्मिक एसिड फॉलो नहीं करते क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, और एक्स्ट्रा स्टेबल होने की वजह से मोर हीट रिक्वायर्ड टू फॉर्म वेपर। यानी इनको एंट्रोपी के लिए ज़्यादा हीट चाहिए, जिसकी वजह से एस वेपराइजेशन का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्यू की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ग्राफ जो 88 किलो जूल पर मोल का है उससे ऊपर की तरफ लाई करता है, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबल है। नाउ कमिंग टू फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जो है HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड नेगेटिव डेविएशन शो कर, नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि ये HCHO4 वाटर में जब जाता है तो ये दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके एक सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, विच इज़ पॉलीमर ऑफ टू फॉर्मिक एसिड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से ये दो सिंगल मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके एक सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये एसोसिएट होते हैं। तो एसोसिएशन होने का, आपस में एसोसिएशन होने की वजह से नंबर ऑफ फ्री मॉलिक्यूल कम हो जाता है, इसीलिए एंट्रोपी इनका क्या होता है, डिक्रीज कर जाएगा ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल अमंग देमसेल्फ। ये नेगेटिव डेविएशन कॉज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं लास्ट टॉपिक, विच इज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, विच इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि एंट्रोपी ऑफ ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसी को बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी एंट्रोपी ऑफ ऑल क्रिस्टलाइन, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उनकी वैल्यू एंट्रोपी के जीरो होती है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक क्रिस्टलाइन मटेरियल है जिनके मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट नहीं करेंगे क्योंकि इनकी एंट्रोपी जीरो हो जाएगी, नो वाइब्रेशन। दीज मॉलिक्यूल विल नॉट वाइब्रेट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 273 केल्विन पर, ये 0 डिग्री पर या 273 केल्विन पर ये वाइब्रेट नहीं करेंगे, इसलिए इनका जो एंट्रोपी होगा वो एंट्रोपी जीरो होगा। यही है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो यूनिवर्सली सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड पर अप्लाई होता है, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड एक फिक्स्ड ऑर्डर में होते हैं। देर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, वन इज कॉल्ड एमॉर्फस और दूसरा होता है क्रिस्टलाइन। तो एमॉर्फस के मॉलिक्यूल रैंडमली अरेंज होते हैं और क्रिस्टलाइन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो या एटम एक फिक्स्ड ऑर्डर में अरेंज होता है। तो फिक्स्ड ऑर्डर पर ये अप्लाई होता है, ना कि एमॉर्फस पर। तो होप सो ये क्लियर हो गया। एक फार्मूला को भी समझ लेते हैं, एंट्रोपी एस इज इक्वल टू 2.303 सीपी इंटू लॉग ऑफ टी। ये एक फार्मूला इस पर अप्लाई होता है, जहाँ पर एस क्या है, एंट्रोपी, सीपी क्या है, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन।
ये एक फॉर्मूला याद रखना है। तो इसी के साथ में हम मैंने सारे टॉपिक को कवर कर लिया है, ये अब आ जाते हैं हम लोग, ये पूरा का पूरा टॉपिक है, देख लीजिए थर्मोडायनेमिक्स का पूरा यहाँ पे फर्स्ट लॉ, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, किरचॉफ रो, हीट ऑफ रिएक्शन, हेसस लॉ, हीट ऑफ फॉर्मेशन, सेकेंड लॉ, एंट्रॉपी, फ्री एनर्जी एंड वर्क फंक्शन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, और आज जो हम लोगों ने किया ये क्लासियस क्लैपिरॉन इक्वेशन, उसके बाद में टॉरेंट रूल और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये जो टॉपिक है ये मैं प्रीवियस ऑलरेडी वीडियोस में कर चुका हूँ, फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सारे टॉपिक को मैंने कवर कर दिया, इसी के साथ में मैंने थर्मोडायनेमिक्स के सारे टॉपिक को कवर कर दिया। इससे पहले ऑलरेडी मैंने रिएक्शन काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम पर ये टॉपिक भी पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया, जिसका वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसको जाकर देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे फ्रॉम गेट XLP टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो कोई अपलोड करूँ तो आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और होप सो कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपकी गेट लाइफ साइंसेज के केमिस्ट्री की प्रिपरेशन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।